आइए अब खबर देखते हैं पीएफ आंदोलन से जुड़ी हुई। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशें लागू करें और कर्मचारियों को न्याय दे, इस मांग को लेकर कर्मचारियों के अलग अलग संगठनों ने संविधान चौक पर जमकर आंदोलन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, आइए देखते हैं। पूरे भारत वर्ष के 28 राज्यों में ये आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों के पेंशन के हक और 186 उद्योग में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ फंड सामाजिक सुरक्षा में बेनिफिट मिले, इसलिए ये आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के जरिए कानून के तहत सभी सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए न्याय देना चाहिए और भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की जो भी सिफारिश की गई है उसे लागू करना चाहिए, ऐसी जानकारी इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी महासचिव प्रकाश पाठक इन्होंने बीसीएन समक्ष दी। मैं प्रकाश दीनानाथ पाठक निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति व कृति समिति चा महासचिव बोलतो आहे। आज का आंदोलन पूर्ण देशामध्ये 27 राज्यांमध्ये सगळ्या राज्यांचे प्रतिनिधी 186 उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्या पेन्शन करण्याकरता हक्काकरता हे लढत आहेत। आजचा कार्यक्रम हा केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नसून हा पूर्ण देशाकरता आहे आणि मुख्य कारण म्हणजे 186 उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, ते औद्योगिक क्षेत्रात काम करतात, प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये काम करतात, खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करतात, ज्यांचा ज्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड कपात केला जातो त्या सगळ्यांना याचा बेनिफिट मिळावा, सामाजिक सुरक्षा मिळावी याकरता म्हणून हे आंदोलन आहे। या आंदोलनामध्ये आम्हाला शासनातर्फे भगतसिंग कोश्यारी कमिटी अमेंडमेंट रिपोर्ट मिळालेला आहे, परंतु 2013 पासून तर आजपर्यंत 9 वर्ष होऊन सुद्धा कोणत्याही प्रकारे कायद्यात दुरुस्ती झाली नाही। सुप्रीम कोर्टात गेलो, सुप्रीम कोर्टात अजून न्याय प्रलंबित आहे म्हणजे सगळं सुनावणी वगैरे झालेली आहे, परंतु त्याला रिझॉल्व ठेवलेला आहे। ते आज नाही उद्या आपल्याला ते मिळणार आहे। आपल्याला न्याय देवतेवर पूर्ण विश्वास आहे, आपल्याला आपल्या फेवरमध्ये निर्णय मिळेल यात शंका नाही। परंतु आज आपल्याला काही लोक सांगतात पेपर मोठमोठ्या पेपरमध्ये येतं की कार्यक्रम आपल्या निवृत्त म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये निर्णय निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून आणि आमचे लीगल सेक्शन आहे दिल्लीमध्ये त्यांच्या माध्यमातून जी लढाई लढते आहे, परंतु रिझॉल्व ठेवल्यामुळे त्याबाबत बोलणं उचित होणार नाही। काही पेपरवाले छापतात आहे, काही यूट्यूबवाले छापतात, हां, आणि ती मागणी ही अशी आहे की आम्हाला भगतसिंग कोश्यारी कमिटीच्या आधारे कायद्यामध्ये सगळ्या खासदारांनी एकत्र येऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा आणि भगतसिंग कोश्यारी कमिटीच्या ज्या शिफारसी आहे त्या पूर्णतः लागू कराव्यात। देशभर के कर्मचारियों को अभी भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अभी भी सरकारी योजना से वंचित रखा गया है, या यूं कहें कि कर्मचारी गुलामगिरी की जिंदगी जीने पर अब भी मजबूर हैं। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, बीसी न्यूज।